नजरिया नजरिया आपके भविष्य की बुनियाद रखता है। नजरिया होता क्या है? नजरिया हम किस चीज को कैसे देखते हैं। जैसे मान लो एक स्टूडेंट है, वो 50 या 60% मार्क्स लाता है, तो अपना बचपन से एक नजरिया बना लेता है कि मैं 60 से ज्यादा नहीं ला सकता, और 60 के लिए वो मेहनत करना शुरू करता है। किसी तरह 60 आ जाए, पापा मुझे 60 में नहीं डांटते, मैं 60 तक तो नहीं आऊंगा। एक बच्चा पास करने के लिए कोशिश करता है, पास किसी तरह से कर जाऊंगा, और एक बच्चा टॉप करने की कोशिश करता है। तीनों का नजरिया अलग अलग है, तीनों एग्जाम को अलग अलग नजरिए से देखता है। एक ने अपने आप को 60% मार्क्स पे रोक लिया, और एक ने अपने आप को पास करने पे रोक लिया, और तीसरे ने अपने आप को टॉप करने पर ले गया, मैं टॉप करूंगा। नजरिया दो तरह की होती है, एक बाहर से भी इंस्पायर होते हैं, एक हम अंदर से इंस्पायर होते हैं। बाहर का इंस्पिरेशन क्या होता है? आप बाहर जो देखते हो उससे सीखते, आप बाहर किसी व्यक्ति को देखते हो उससे सीखते हो कि जो वो कर रहा है मैं उसको फॉलो करूंगा, वो बहुत अच्छा कर रहा है, वो बाहरी मोटिवेशन होता है। तो आप जल्दी डिमोटिवेट भी हो जाते हो। जैसे मान लो अब मैं आपको वादा करता हूँ कि मैं आपको 1000 रुपीज दूंगा, तुम बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलो, तुम बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते हो और मैं तुम्हें 1000 रुपीज नहीं देता हूँ, तो तुम फिर क्या होता है? डिमोटिवेट हो जाते हो। एक होती है अंदर का मोटिवेशन, इंटरनल इंस्पिरेशन, इंटरनल डिजायर, इंटरनल सेल्फ गोल। तुम अंदर से बहुत उत्साहित होते हो, एक्साइटेड होते हो, गोल ओरिएंटेड होते हो, तुम्हारे अंदर एक हार्ड डिजायर होता है, मैं कुछ करूंगा, मैं करूंगा, मैं कर सकता हूं। तुम अंदर से इतने मोटिवेटेड होते हो कि लोग तुम्हें गिरा नहीं सकते, और होता है सेल्फ इंस्पायर। जैसे मान लो आप एक हाउसवाइफ, एक हाउसवाइफ हो तो आपने ये सोच लिया कि या मेरी शादी हो गई, मेरी अपनी जिम्मेदारी है, मैं अकाउंटेबल हूँ फैमिली के लिए, ठीक है, लेकिन मैं अपने जीवन में कुछ करूंगी, आपने ये फैसला कर लिया। और आपने अगर ये सोच लिया मेरी शादी हो गई, बर्तन कपड़ा पति यही मेरा जीवन है, तो फिर आपका जीवन यही बन गया। आप सोचते क्या हो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपका सोच क्या है, व्हाट इज योर थिंकिंग, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक आपके साथ एक वाक्य शेयर करूंगा। दो भाई थे टोरंटो में, और एक सामाजिक अध्ययन संस्थान उनके पास पहुंचा और उनसे सवाल करने लगा, क्योंकि एक भाई जो बड़ा भाई था वो अपराधी था, शराबी था, जुआरी था, सारे पाप के कर्मों करता था, सारे गलत काम, ही वाज अ गैंगस्टर। और जो दूसरा भाई था छोटा भाई, वो वैज्ञानिक था, बहुत सामाजिक रूप से डेवलप था, वैज्ञानिक था। जब वो वैज्ञानिक था, बहुत डेवलप था, तो सामाजिक सुधारक जो थे, जो गए थे उसका इंटरव्यू लेने के लिए, पूछे कि तुम एक शराबी हो, जुआरी हो, समाज को तंग करते हो, सारे गलत काम करते हो, बैंक लूटते हो, सोकर हो, ये सारी चीजें, आप ऐसा कैसे बन गए? बोला मैं क्या बनता, मेरे पिताजी सुबह से ही मेरी माँ को पिटना शुरू करते थे, शराब पीते थे, जुआ खेलते थे, लोगों को तंग करते थे, बैंक लूटते थे, डिफरेंट किस्म के नशा करते थे, तो मैं पिताजी से सीखा। अब वो छोटे भाई के पास गए, छोटा वाले भाई से पूछा कि आप एक साइंटिस्ट बने, समाज में आपका ओहदा है, इतना आप तरक्की कैसे किए, आप कैसे इतना प्रोग्रेस कर गए? उन्होंने कहा कि मैंने पिताजी को देखा, मौत के समय सांसों के लिए तड़प रहे थे, मेरे पिताजी सांस नहीं ले पा रहे थे, जिंदगी और मौत के बीच वो लड़ रहे थे, वो समझ नहीं पा रहे थे कि मैं मर रहा हूँ या जी रहा हूँ, इन चीजों को मैंने देखा। तो जो गलतियां मेरे पिताजी ने की, शराब पीने की, ड्रग्स लेने की, पाप करने की, उन चीजों से मैंने अपने आप को दूर रखा। तो पिताजी को मैंने एक एग्जाम्पल के रूप में लिया। एक छोटा भाई फेमस इंस्पायर्ड पॉजिटिवली हुआ, और बड़ा भाई नेगेटिवली हुआ। ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम किससे कैसे प्रभावित हो, ये तुम्हारा एटीट्यूड होता है, तुम्हारा नजरिया होता है। आप यहाँ आते हो, कई लड़कियां यहाँ पढ़ने सोनीपत से आती हैं, फरीदाबाद से आती हैं, वो ये सोच कर आती हैं कि मैं पढ़ने जा रही हूँ, पढ़ूंगी सीखूंगी, वो आती हैं। कई लड़कियां भरसवा जहांगीरपुरी से यहाँ नहीं आ सकती, क्यों? रास्ते में जाऊंगी, इलाका खराब है, सारे लड़के बाहर खड़े रहते हैं, मैं पढ़ने जाऊंगी, स्कूटी चोरी हो जाएगी, मोबाइल गिर जाएगा। आपके पास बहुत सारे बहाने हैं नहीं करने के लिए, हमारे पास इतने बहाने हैं काम नहीं करने के लिए, और काम करने का एक बहाना है मुझे करना है। सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे, कश्तियां बदलने की जरूरी नहीं है, दिशा को बदलो, किनारे खुद ब खुद बदल जाएंगे। यू नीड टू चेंज योर एटीट्यूड। अगर आज आपको मैंने बोलने का मौका नहीं दिया तो कल आप बोलेंगे। अगर आप ये सोच लो इतना दूर से आई थी, आज बोलने का मौका नहीं मिला, क्या फायदा?
रोज जाऊंगी बस का पैसा इंस्टीट्यूट का पैसा इतना पैसा कहाँ से लाऊंगी कहाँ से खर्च करूंगी इतना मैं थोड़ी ऐसा थोड़ी होता है ऐसा थोड़ी चलता है ऐसा ये मैं बात हूँ क्या That's all. You are negative already. So आपका नजरिया आपके भविष्य बनाएगा आपका बेहतर बनाएगा भविष्य नजरिया आपका अब क्लास कल शुरू होगा नजरिया